नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इमित्र हेल्प वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रम विभाग द्वारा कुछ श्रमिक कार्ड बनने के लिए कुछ नए नियम बने, उसके तहत कुछ नए फॉर्मेट जारी हुए, जो अभी जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उसके साथ उन चारों फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट आपको संलग्न करना जरूरी होगा, तभी आपका फॉर्म अप्रूव होगा। अगर आप वो फॉर्मेट सबमिट नहीं करते उसके साथ संलग्न, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सबके मन में सवाल था कि ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, तो श्रम विभाग द्वारा कहा गया कि हमारे पोर्टल पे ये अपलोड किया जा चुका है। वहाँ पे मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने SSO पोर्टल के माध्यम से ढूंढा, तब जाके मुझे ये फॉर्म मिला। और ये फॉर्म किस प्रकार से डाउनलोड करना, आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो आपकी SSO ID है उसके अंदर आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको, सब जानते हैं कि SSO में एक एप्लीकेशन होती है LDMS, इस LDMS एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। तो हम ओपन करते हैं दोस्तों LDMS एप्लीकेशन। ये हो रही है ओपन दोस्तों LDMS एप्लीकेशन, ये हो गई ओपन। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना है तो यहाँ बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए जो भी फॉर्म आपने पहले भरे हुए उनके जो नंबर हैं उनके ऊपर क्लिक करके भी कर सकते, या फिर ब्राउज वेबबोर्ड और यहाँ पे ऐप बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको कोई भी एक फॉर्म ओपन करके बता देता हूँ जो पहले से भरा हुआ है। ये मैंने ओपन कर लिया दोस्तों। ये ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे आना है। ये नीचे दोस्तों घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, चार बार लिखा हुआ है अबसद, ये चारों फॉर्मेट है। अब अगर आपको नियोजकता संपत्ति मालिक, यानी कि आप किसी के खुद के समय कोई मकान बना रहा है, कोई ठेके में उसका कार्य नहीं है, और किसी के घर पे जाके कार्य करे तो अ वाला लगा दे, किसी ठेकेदार के पास कार्य कर रहे हैं तो ब वाला लगा दे, किसी अन्य कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड जो भी उनके पास काम कर रहे हैं स कर ले, अगर आप किसी निर्माण श्रमिक यूनियन के अंडर काम कर रहे हैं तो द वाला। तो इस तरह से आप चारों में से कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ बहुत सारे दस्तावेज, ये सिर्फ ये फॉर्मेट ही नहीं लगाना, फॉर्मेट के साथ साथ 4 से 5 दस्तावेज है, वो भी आपको अलग अलग फॉर्मेट के साथ अलग अलग दस्तावेज संलग्न करना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो आप पहले जो दस्तावेज संलग्न कर रहे थे वो तो आपको करने ही है, इसके साथ साथ ये भी आपको इसके साथ संलग्न करने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डायरेक्टली क्लिक करना है जो भी फॉर्मेट आपको लेना है, और ये फॉर्मेट आपका डाउनलोड होकर आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ये हो गया दोस्तों फॉर्म ओपन, ये हो गया दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये आप देख पा रहे हैं फॉर्म पूरा कंप्लीट है। ये नियोजकता संपत्ति द्वारा दिए जाना, मैं नाम, पति पत्नी, निवासी, रहने वाला, तो पूरी कंप्लीट डिटेल आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप किस प्रकार से करना है, इसके लिए आप एक अन्य चैनल पेपर फिलिंग करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाए, वहाँ पे उनसे बात हुई है, वो बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो वहाँ पे आप कंप्लीट फिलअप करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो आपको कंप्लीट फिलअप करना सिखाएंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको इसके पीछे क्या दस्तावेज लगाने हैं उसके बारे में वीडियो बहुत जल्दी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों पेपर फिलिंग पोर्टल यूट्यूब चैनल पे जाए, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस चैनल पे जाए और उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत जल्दी ये फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा कंप्लीट डिटेल के साथ। इसके अलावा अगर दस्तावेज के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे ही आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे हमारा चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों।